दुनिया हजार रंग के साथ में हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद सुमरो, सलाम अर्ज करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं ज़िला उमरकोट के एक स्टेशन पिथौरों पर खड़ा हूँ। वो पिथौरों जो कभी जंक्शन स्टेशन हुआ करता था, हालांकि इसके नाम के साथ अब भी जंक्शन लिखा हुआ है, मगर अमलन ये अब जंक्शन नहीं रहा। तो वो सेक्शन भी आपको, वो लाइन आपको दिखाता हूँ जिसकी वजह से इसको जंक्शन का स्टेटस मिला। तो आज आप उनसे जुड़े रहिए, हम आपको दिखाएंगे पिथौरों के रंग और इस सेक्शन की एक वाहिद गाड़ी 219 अप और 220 डाउन। 219 अप अभी शाम को 6 बजे आएगी, उसको कैप्चर करेंगे, और अगर रात स्टेडम हुआ तो इंशाल्लाह सुबह की गाड़ी का अराइवल भी आपको दिखाएंगे, वरना इसी एक गाड़ी पर इक्तफा करना पड़ेगा। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं पिथौरों। इस वक्त हम पिथौरों स्टेशन की मेन एंट्रेंस पर खड़े हैं। ये सामने है ये पिथौरों स्टेशन का लुक। फिर ये स्टेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। दोस्तों, वेटिंग हॉल में अंदर दाखिल होते ही मेरे बाएं हाथ पर ये टिकट घर, ये इस तरफ टिकट बराए मस्तूरात, और ये इस तरफ दो टिकट खिड़कियाँ। इसका मतलब है कि ये काफ़ी मसरूफ़ स्टेशन होगा। वैसे इसका शहर इस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, और जिस पीर के नाम से यानी पीर पिथौरों के नाम से ये स्टेशन मंसूब है, वो भी 1 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर है। ये है किराया नामा 19/9/2023 से इम्प्लीमेंट है, मगर आज से फिर किराया 2% बढ़ गया है। इस लिस्ट के मुताबिक मीरपुर खास यहाँ से 100 रुपये, मगर आज से ये 110 हो गया है। तो इस हिसाब से आप 10 और मीरपुर खास के बाद 20 रुपये इस पर आप ऐड करेंगे तो ये किराया बन जाएगा। सिर्फ एक गाड़ी एग्जिस्ट करती है इस सेक्शन में, 219 अप और 220 डाउन। 219 अप एक्चुअल कोटरी से चलती है समन सरकार के नाम से, जो कि मीरपुर से फिर मारवी हो जाती है। तो एक ही गाड़ी के दो नाम। डाउन की गाड़ी सुबह 8:30 बजे, पूरब की गाड़ी शाम को 4 बजे। काफ़ी वसी और इस वेटिंग हॉल जिसमें मुसाफिरों के बैठने के लिए ये काफ़ी गुंजाइश। स्टेशन बिल्डिंग के साथ ये आप देख रहे हैं एक ये कैच बना हुआ है। दोस्तों, ये इस स्टेशन के माजी के उरूज की दास्तान है, जब यहाँ पर काफ़ी लोडिंग अनलोडिंग होती थी और पार्सल के हवाले से यहाँ से काफ़ी लोडिंग और अनलोडिंग इसको यहाँ पर सेफ किया जाता था, मगर काफ़ी सालों से ये बिल्कुल अकेला उजड़ा हुआ और एक वीरान सा मंज़र पेश करता है। तो चलिए आपको स्टेशन बिल्डिंग दिखाते हैं। यहाँ से जी इमारत शुरू होती है, क्या आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों, ये पहला कमरा अबेंडेंट है, नॉट इन यूज़, और उसके बाद इंतज़ारगाह दर्जा अव्वल बराए मस्तूरात, और आगे वेटिंग रूम फॉर जेंट्स। उसके बाद ये ओपन वेटिंग हॉल और ऑफिस का स्ट्रक्चर इस तरफ है, जिसमें से एक एसएम ऑफिस और दूसरा दफ्तर स्टेशन मास्टर। बुकिंग और पार्सल ऑफिस, मगर अब यहाँ पर कोई पार्सल क्लर्क या बुकिंग क्लर्क नहीं है, ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ही ये फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, और ये आखिर में दफ्तर स्टेशन मास्टर। आएंगे हम
ये स्टेशन किलोमीटर 102/14 के मार्कअप पर मौजूद है और ये ज़िला उमरकोट का एक स्टेशन है और पिथौरा खुद एक तहल का हेडक्वार्टर है। तो आगे क्या हालात हैं स्टेशन के और उसके माजी में भी झांकते हैं कि 1935 में बना ये स्टेशन अब किस हाल में है, उसका माजी किस कैसा था और जब ये जंक्शन था तो उस वक्त के हालात क्या थे। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। यार्ड की पोजीशन आपको बता देते हैं कि यहाँ का यार्ड सिर्फ दो लाइनों पर मुश्तमिल है और दूसरी लाइन्स फॉर पर्पस ऑफ क्रॉसिंग कंडीशन, वरना इस्तेमाल में यही एक प्लेटफॉर्म लाइन होती है। प्लेटफॉर्म लो लेवल का है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेशन बिल्डिंग के साथ ये छोटी सी मस्जिद और मस्जिद के सामने ये वाटर हट। चलो शुक्र है कम से कम पानी की सहूलत दस्तियाब है मुसाफिरों के लिए। ये पुराने तेज की बनी हुई है। पहले यहाँ पर ये गोल मटके आते थे जो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से मिलते थे, तो वो इसके चारों तरफ ये फैले होते थे, रखे होते थे, मगर अब वो सिलसिला काफ़ी सालों से बंद है। ये है जनाब स्टेशन पर वाक़ एक अबेंडेंट कैबिन। ये आपको दिखाते हैं यहाँ की स्टेयर पर ये कांटे रखे हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि ये इस्तेमाल में नहीं रही। गालबन यहाँ से लूप लाइन को जो झुड्डों की तरफ जाती होगी उसको डील किया जाता होगा। तो दोस्तों ये कोई अबेंडन टी स्टॉल लगता है जो कि खस्ता हाली का शिकार है। बिल्कुल किसी दौर में आबाद होता होगा, किसी दौर में यहाँ से भी चाय चाय की मखसूस आवाज़ें होंगी, मगर अब बिल्कुल ख़त्म। अब हम माजी के एक और आसार आपको दिखाते हैं, पिथौरा स्टेशन का टर्न टेबल जो काफ़ी सालों से बंद है, जंग आलूद हो चुका है, मगर इसका आप देख सकते हैं डेप्थ, इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अभी सलामत है। ये मीटर गेज की गाड़ी चलती थी लूप सेक्शन पर पिथौरा से झुड्डो। तो यहाँ से ये स्टीम इंजन को घुमाया जाता था। यह है हालात यहाँ के जो कि अब किसी काम में नहीं आता। टर्न टेबल के सामने ही ये पाकिस्तान रेलवे डाक बंगला बराए अफसरान। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का सेटअप देखते हैं। यह है जनाब डाक बंगले का लुक, मगर यह भी काफी अरसे से वीरान है। ये इधर से बंद है। जब किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर वो खराब ही होनी है। काफ़ी अच्छे सेटअप के साथ ये सामने आप देख सकते हैं, ये भी 1935 की कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह।
ब्रिटिश दौर की ये कंस्ट्रक्शन, हालांकि ये अभी इस्तेमाल हो सकती है, अच्छी कंडीशन में है और ये इसके गार्डन का हाल है। एक और ब्रिटिश दौर की एक यादगार, रिचर्डसन एंड औरदास बॉम्बे, इस पर सन वगैरह कोई नहीं लिखा हुआ, मगर ये ब्रिटिश दौर की लग रही है, जो अभी नॉट इन यूज है, अबेंडेंड है। इस वक्त हम पानी के तालाब पर खड़े हैं। ये वो तालाब है जहाँ से माजी में रेलवे कॉलोनी, स्टेशन और छोर की तरफ आगे पानी सप्लाई किया जाता था। यहाँ से वाटर टैंक भरते थे और साथ में ये इसका पंपिंग स्टेशन, जो कि खस्ता हाली का शिकार, मगर उसके साथ साथ ही आप और चीज़ देखिए जनाब, ये दरख्त ने भी जब सोचा कि जब सारा मुल्क सूना हो गया है तो फिर मैं हरा भरा रहकर क्या करूँगा, तब ये दरख्त भी सारा झड़ गया है। आप देख सकते हैं एक उदास दरख्त की दास्तान। असलम सुमरो साहब की मेहरबानी है ये जो मेरे साथ आवारा गर्दी कर रहे हैं, तो चलिए स्टेशन की तरफ चलते हैं। होम सिग्नल के साथ ही ये कांटा जो वर्किंग में है अभी, इसी कांटे की मदद से एक नंबर लूप लाइन या फिर दो नंबर लाइन सेट की जाती है और पॉइंट्समैन को यहाँ तक आना पड़ता है। सामने स्टेशन। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म पर अप एंड पर मौजूद हैं। अब आपको दिखाते हैं वो लाइन जिसकी वजह से इस स्टेशन को जंक्शन का स्टेटस मिला, यानी जुडो लूप लाइन, जो कि काफ़ी सालों से अबेंडेंट हालत में मौजूद है। आप ये मुलाहिजा कर रहे हैं इस पूरी लाइन पर अब झाड़ियाँ उगाई हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो कभी पुर रौनक हुआ करता था, यहाँ पर काफ़ी रश होता था क्योंकि इस सेक्शन पर रोड बिल्कुल नापैद थे और लोगों की ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने का वाहिद जरिया सिर्फ रेलगाड़ी थी। जुडो लूप लाइन के लिए गाड़ी यहाँ से तब्दील की जाती थी। थोड़ा सा आगे चल के पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये लिखा हुआ है जुडो लूप लाइन के लिए गाड़ी यहाँ से तब्दील करें, चेंज हियर फॉर जुडो लूप लाइन। तो ये है प्लेटफॉर्म जुडो लूप लाइन, इसके पीछे ये सारी अबेंडन रेलवे कॉलोनी, इसके सामने अब बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। सनसेट का मंजर। दोस्तों सामने ये आप देख रहे हैं रेलवे पुलिस चौकी, ये भी अब अबेंडन हालत में है, इमारत रहने के काबिल नहीं रही। 219 अब मारवी एक्सप्रेस आ रही है तो उसके लिए बुकिंग हो रही है, मुसाफिर टिकट लेने में मसरूफ। कुछ मुसाफिर इस तरफ भी बैठे हुए हैं और गाड़ी के इंतज़ार में माशाल्लाह मेरे ख्याल में नींद पूरी यहीं करते हैं। सही है। दफ्तर स्टेशन मास्टर, माशाल्लाह जबरदस्त सेटअप। स्टेशन मास्टर साहब बुकिंग कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है। जबरदस्त, इस सेक्शन की इकलौती गाड़ी 219 अप मारवी एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है पिथौरा जंक्शन।
विषयम योग 15 4806 स्टार्टिंग विसल हो गई है और ये सेकंड विसल के साथ ट्रेन आगे की मंजिल की तरफ रवाना। थैंक यू सर, थैंक यू। मारवी एक्सप्रेस, रोटरी से खोपरा पार के लिए भी तीर पिथौरा स्टेशन से निकल रही है। इसकी आगे की मंजिल डोरो नारो। दोस्तों ये है हमारी आज की व्लॉगिंग। आपने देखा पीर पिथौरो से मंसूब एक स्टेशन पिथौरो जंक्शन का हाल अहवाल हमने आपको आज दिया। हमें उम्मीद है कि आप इससे महसूस हुए होंगे। तो अगर ये सिलसिला आपको पसंद आता है तो इस सिलसिले से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करके कॉल के ऑप्शन को चूज़ करें। तो सांसों की सलामती तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी दूसरी जगह से। तब तक के लिए मांगते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।